हेलो लर्नर्स, दिस इज रितु शर्मा. वेलकम बैक टू EduFlight. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट रीजनल फूड हैबिट्स को. जैसे कि आपको पता ही होगा, अलग अलग एरिया का अपना खुद का फेमस फूड होता है, सबकी अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CTET का, स्पेशली EVS का. पेपर वन में EVS में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल ही जाता है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. यहाँ पे हमारी सीरीज चल रही है जो पेपर वन की, हम प्रीवियस ईयर पेपर वन डिस्कस कर रहे हैं, पेपर टू डिस्कस कर रहे हैं, और EVS से रिलेटेड आपकी कोई ना कोई वीडियो में लेके ही आती रहती हूँ. लाइक एनिमल की हैबिट, या फिर बर्ड्स की क्या हैबिट होती है, उनके नेक्स्ट पैटर्न क्या होते हैं. अब ये जो वीडियो है फूड हैबिट की, CDP की आपकी सीरीज चली रही है, वहाँ पे मैं 2-3 वीडियोस डाल चुकी हूँ. हम प्याजे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. शुरू करते हैं आज का डिस्कशन. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ही डाला हुआ है सबसे पहले आपको आइडिया देने के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. ये क्या बोल रहा है कि हांगकांग में, केरला में, कश्मीर में किस टाइप की फूड हैबिट होती है, उनको यहाँ पे मैच करो, मैच द कॉलम करना है. तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे. पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे किस किस रीजन में कौन सी फूड हैबिट आपकी होती है, क्या फेवरेट फूड या फेमस फूड होता है वहाँ का. तो यहाँ पे मैंने प्लेस या रीजन लिखा हुआ है, और यहाँ पे फूड जो फेवरेट फूड होता है वो लिखा हुआ है. तो सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद की, या फिर गुजरात की. गुजरात के अंदर है ना अहमदाबाद. तो अहमदाबाद के अंदर इतना आपको पता होगा कि ढोकला जो होता है ना बहुत फेमस है. गुजरात की फेमस डिश क्या है? ढोकला, राइट. तो ढोकला को चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं वहाँ के लोग. लेमन राइस खाना पसंद करते हैं, और साथ में कुछ मिठाई खाना पसंद करते हैं. तो ये हो गई बात किसकी? अहमदाबाद की. फिर अगर बात करें उदीपी की, तो उदीपी में लोग जो है वहाँ पे इडली वड़ा खाना बहुत पसंद करते हैं. तो याद कर लेना उदीपी से कैसे भी लॉजिक लगा के, उदीपी और इडली वड़ा, ठीक है. फिर बात करते हैं हांगकांग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? स्नेक्स खाना पसंद करते हैं, मतलब यहाँ के लोग सांपों को खाना पसंद करते हैं. नेक्स्ट इज कश्मीर. कश्मीर में लोग क्या खाना पसंद करते हैं? फिश कुक्ड इन द मस्टर्ड ऑयल, मतलब फिश खाते हैं वो जो कि मस्टर्ड ऑयल में पकी हुई हो. गोवा में लोग क्या पसंद करते हैं? फिक्स्ड कुक फिश जो है कुक्ड इन कोकोनट ऑयल. यहाँ पे देखो मस्टर्ड ऑयल है और यहाँ पे कोकोनट ऑयल है, ये चीज़ ध्यान रखना. कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल और गोवा में कोकोनट ऑयल. नेक्स्ट इज केरला. केरला में लोग क्या खाते हैं? बॉयल टोपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट. कोकोनट का यूज़ करके जो करी बनाई जाती है उसके साथ वो क्या खाते हैं? बॉयल टोपियोका खाना पसंद करते हैं. या फिर हम बात करें जो भी आपका कोस्टल एरिया है साउथ इंडिया का, बेसिकली वहाँ पे लोग क्या खाना पसंद करते हैं? फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल. तो कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल हो गया, गोवा में आपका कोकोनट ऑयल हो गया, और जो कोस्टल एरिया की बात करें वहाँ पे भी क्या है? कोकोनट ऑयल में फिश करते हैं कुक. एक चीज़ यहाँ पे कैसे याद रखोगे कि कहाँ पे क्या खाना है? अब आप खुश हो जो कोस्टल एरिया है ना, वहाँ पे कोकोनट के ट्रीज कितने ज़्यादा होते हैं ना, तो वहाँ पे लोग किसका यूज़ करेंगे? कोकोनट ऑयल का यूज़ करेंगे खाने के लिए. इसलिए जो आपका केरला हो गया, या फिर आपका साउथ इंडिया वाला पार्ट हो गया, या कोस्टल एरिया हो गया, वहाँ पे लोग कोकोनट ऑयल में फूड पकाना पसंद करते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारा वलसद. वलसद में लोग क्या खाना पसंद करते हैं? बटाटा बड़ा, पूड़ी साग, या फिर दूध. फिर बिहार का सबको पता है हमें क्या फेमस है? लिट्टी चोखा. तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है आपके, लाइक अहमदाबाद, कश्मीर, हांगकांग, गोवा, केरला, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे. ये ध्यान रखना कौन सी रीजन में कौन सा फूड खाया जाता है, या वहाँ का फेवरेट फूड क्या है, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में. अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. देखो जो अभी क्वेश्चन मैंने दिखाया था वही है. यहाँ पे हमें मैच करना है स्टेट या सिटी के साथ में कौन सा फूड वहाँ पे लाइक करते हैं. अब हांगकांग है फर्स्ट ऑप्शन. अब यहाँ पे देखो हांगकांग में क्या खाते हैं? बॉयल टॉपियो का खाते हैं? नहीं. फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल खाते हैं? नहीं. फिश जो है सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल? नहीं, ये भी नहीं खाते. छोले भटूरे भी नहीं खाते. फिर क्या खाते हैं वो लोग? कुक्ड स्नेक खाते हैं, ठीक है, सांप को खा जाते हैं. तो ए का कौन सा हो गया? फिफ्थ हो गया, ए का फिफ्थ. अब ए का फिफ्थ इन्होंने देखो शुरू के तीनों में दिया हुआ है, फोर्थ में नहीं दिया हुआ ना, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया. फिर बात करते हैं केरला की. केरला में अभी हमने पढ़ा था क्या खाते हैं? बॉयल टॉपियोका विद एनी करी. तो बी किसके साथ मैच कर रहा है? फर्स्ट के साथ. अब बी का फर्स्ट देखो थर्ड वाले ऑप्शन में ही सिर्फ दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए हमारे? डिलीट हो गए. ओके, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो गया. फिर भी और देख लेते हैं. केरला हो गया फर्स्ट के साथ. फिर कश्मीर में क्या खाना पसंद करते हैं? अभी मैंने बताया था मस्टर्ड ऑयल में फिश जो है वो कुक करते हैं. तो कश्मीर का हो गया सेकंड वाला, और गोवा जो है कोकोनट ऑयल में खाना पसंद करते हैं यहाँ पे फिश को, तो गोवा का हो गया थर्ड वाला. अब आप देख लो यहाँ पे ए का था हमारा
फिफ्थ और बी का फर्स्ट, सी का यहाँ पे सेकंड और डी का थर्ड. ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया. तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको पता चल रहा होगा इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है. एक ही क्वेश्चन में आपको कितने सारे फूड हैबिट पूछी हुई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बॉइल्ड टॉपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज प्रेफर्ड फूड ऑफ द पीपल. यहाँ पे जो बॉइल्ड टॉपियोका है जिसको करी के साथ लोग खाना पसंद करते हैं, कोकोनट वाली, वो कहाँ पे खाना पसंद करते हैं. और ये देखो क्वेश्चन आपको जुलाई 2019 में आया हुआ है और इससे पहले वाला क्वेश्चन दिसंबर 2000 जो रिसेंटली आपका पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है ये. तो ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु या फिर केरला. अब आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. तो फटाफट से रिवाइज करो भाई, बॉइल्ड टॉपियोका कहाँ पे खाते हैं. यस, केरला में. बॉइल्ड टॉपियोका कहाँ पे खाना पसंद करते हैं, केरला में खाना पसंद करते हैं. ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ यू गो टू अहमदाबाद गुजरात बाय ट्रेन देन एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द वेंडर्स आर सेलिंग. वहाँ पे मोस्ट ऑफ द वेंडर सेल कर रहे होते हैं रेलवे स्टेशन पे. क्या ऑप्शंस में है? ढोकला विथ चटनी एंड लेमन राइस, छोले भटूरे एंड लस्सी, इडली चटनी एंड वड़ा चटनी या फिर पूरी साग एंड ठंडा दूध. अब आप बताओ इनमें से क्या खाते हैं गुजरात के लोग या फिर वहाँ पर रेलवे स्टेशन में क्या ज़्यादा चीज़ सेल हो रही होगी, वेंडर्स क्या सेल कर रहे होंगे. यस, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अभी हमने पढ़ा था ढोकला विथ चटनी एंड लेमन खाना वहाँ के लोग पसंद करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन भी देखो जुलाई 2013 में आया हुआ था. नेक्स्ट है हमारा, वाइल डिस्कसिंग लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग आ स्टूडेंट सेज आई एंड माय मदर बोथ लव टू ईट स्नैक्स, व्हेनेवर वी फील टू ईट स्नैक्स वी गो टू आर नियर बाय होटल. हम पास की दुकान पर चले जाते हैं जब भी हमारा सांप खाने का मन करता है. तो ईट लिंग हु फैन दिस स्टूडेंट मस्ट बी बिलोंग टू. और वो लिंग हु फैन खाते हैं होटल में जाके, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं. ऑप्शन है असम, हांगकांग, उड़ीसा या फिर अरुणाचल प्रदेश. अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करना और फिर देखना यहाँ पे चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. अब आप बताओगे इसका आंसर कौन सा है वो भी कमेंट बॉक्स में. तो जितने भी हमने यहाँ पे फूड हैबिट पढ़ी है ना, इनको अच्छे से देख लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा आपका जो भी है. इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इनको पढ़ लो, इतना इनफ है. बाकी के इसी से बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, तो आपको पता चल गया कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. तो खुद भी देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो. वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताओ कि अच्छी लग रही है, और कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. बाकी के क्वेश्चन हम नए टॉपिक के साथ किसी और सेशन में करेंगे. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.